श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक में 800 कोटी टंकर श्रीमंदिर ऐतिह्य कॉरिडोर चिठा प्रस्ताव को अनुमोदन मिले यासह यार रूपरेख प्रकाश पाई जून पहलू आरंभ हो श्रीमंदिर ऐतिह्य कॉरिडोर निर्माण कार्य श्रीमंदिर परिचालना कमिटर अनुमोदन मिले फेब्रुवरी 28 सुधा राज्य सरकार जातीय स्मारकी प्राधिकरण एसआई एवं पीकेडीए ठारु नियाजिबो अनुमोदन 75 मीटर मध्य ऐतिह्य कॉरिडोर 9 लेयर विशिष्ट हो 55 रु 75 मीटर मध्य सटल लेन करा बैटरी चालित गाड़ी में भक्त ऐतिह्य कॉरिडोर चारिपटे प्रदक्षित करें ऐतिह्य एवं सौंदर्य उपभोग करें श्रीमंदिर सुरक्षा और भक्तों सुरक्षा उपर व्यापक व्यवस्था करहद्वर पाखे 6000 भक्तों पर स्वतंत्र गाड़ी व्यवस्था कि जहाँ जमीन अधिग्रहण करा जाए प्रकल्प से सबू जमी महाप्रभु ना लिपिबद्ध कर दुईटा जिनस ओडिशा सरकार को आज सर्वसम्मति परिचालना कमिटी तरफ श्रीमंदिर परिचालना कमिटी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करा जाए आपन माने जानी छंती ये ओडिशा सरकार कैबिनेट रो निष्पत्ति क्रमे जिते प्रकल्प अप्रूव हेला तापरे हमरो माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक 30 दिसंबर 2019 को यही प्रकल्पर स्थापत्यर चिठा प्रस्ताव समस्त को सामने रखी थे से समस्त को अनुरोध करी कि समस्ते निजेर मूल्यवान मतामत दियंतु समस्ते एटारे सामिल हुवंतु एबे निजो मोबाइल रे अर्गस न्यूज रो आप माध्यम रे आपण देखि परिबे लेटेस्ट अपडेट्स आउ लाइव गूगल प्ले स्टोर किबा एप्पल ऐप स्टोर आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप इंस्टॉल करंतु निजो मोबाइल रे बस खबर बे आपण को हाथ पहांतारे आपण भी जोडी होंतु अर्गस सहित अर्गस रो नुआ अपडेट सत्य रो संधान रे अर्गस सब पळे लोकन को साथ रे।